गुड आफ्टरनून सर। सलीम, हाँ बोलो। मैं इस टाइम पर पोस्ट लग मजा दिया थे। इस हाँ टाइम पर दिखाई दिया थे जैसे मोबाइल मजा दिया था। वीडियो इस टाइम पर वीडियो मजा दिया था। वीडियो वीडियो मैं से नहीं। हाँ तुम्हारा हाजबुल नाम तो क्या सेल हजबुल हाजबुल बहार। बाहर। हाँ यस। सपोर्ट करीबार আর ফেসবুক ফ্রেন্ড আছে তো? ফেসবুক মো সেলিম মাহমুদ বলি আছে। পাইছো মানে মা ফ্রেন্ড 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 আছে নাকি? আছে 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 আছে। দিন মেসেজ করেছিল না? এইজ বাহার খান এস বাহার আপনি কেটা জীবুল, তোমার ঘর কো? নট লখিমপুর। আমার জেলাতে এবছর নতুন মেডিকেল কলেজ হয়েছে, গম পোয়া? শুনিছো। তাই আইছিল দিনা পুরা একদম। ব্রো ভাগ্য থাকিলে তাতে যাব পারিম, বুঝিছা? ঠিক কৈছে, টান ফিজিক্স বহুত হার্ড আছিল এইবার। এটা চ্যাপ্টারও কমপ্লিট হয় নাই, কেন কা হার্ড? আজমল সুপার ফোর্টির পরে আমার দুজন মামা আমা হয় মানে দিছিলে, তিনি কইছে বাকি কেটা প্রবলেম হওয়া নাই, ফিজিক্স তো বহুত প্রবলেম আছে দুইজন। মানে ব্রাদার, মানে প্রবলেম তো হবই না, মানে ক্লাস তো এই বছর হওয়া নাই, তুমি একবার ভাবিছো? অনলাইনত করি আছে, এগুলো কাম নাই না হয় এইটোয়ে। অনলাইনে, ডাউট ক্লিয়ার না হবো। তথাপিও তো ভাল করে এক্সামটো দিছে, সেইটোয়ে কোয়া। হ্যালো, গুড ইভিনিং। গুড ইভিনিং স্যার। ভেরি গুড ইভিনিং, কেসে আপ লোগ? আচ্ছা ও স্যার, সব ঠিক হো? আপ কেসে হ্যায়? হ্যাঁ হম ভি ঠিক হ্যায়, আপ সুনায়? अभी अभी अपने भाषा में क्या क्या बोल रहे थे आप, वो बता दे। डाउट आपकी क्लियर इस जो है, ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम आ रही है, वही ना? यस सर, यस। हम लोग बोल रहे थे सर, इस यू बार टू बी, यू फिजिक्स वांट थोड़ा टू बी हियर, हार्ड हुआ सर। क्या बोल रहे थे आप? हाँ बोलो बोलो, यू वांट टू बी हियर ऑफलाइन, वही हेलो बोल रहे थे सर, आप? हाँ बोलो बोलो बोलो। हम बोल रहे थे सर, इस बार नीट का फिजिक्स बहुत टफ हुआ था, ये बोल रहे थे। और किसने अच्छा, बोल रहे फिजिक्स थे बहुत टफ हुआ था। ऑफलाइन क्लास नहीं होता इसलिए शायद, हाँ हाँ फिजिक्स ऑफलाइन नहीं हुआ था 2 साल से, इसलिए टफ हुआ था। सही बात है, फिजिक्स का ऑनलाइन थोड़ा पे क्या, थोड़ा थोड़ा तो, ये तो मजबूरी है ना, ऑफलाइन कौन करना चाहता, ये तो एक नेसेसिटी है ऑफलाइन करना, ऑनलाइन करना। चलिए अच्छा बता दी मुझे, ऑफ लास्ट में जो है हमने कहां तक पढ़ा था, नेचुरल क्लासिफिकेशन हुई थी है ना, नेचुरल हेलो क्लासिफिकेशन। हाँ हेलो यस, सर, आपने आपने ग्रुप में नोट्स डबल डबल दिया है सर, डबल रिटर्न डबल माने रिपीट नहीं, रिपीट नहीं हुआ है, पहल रिपीट पे? नहीं, रिपीट नहीं दिया, तो रिपीट नहीं हुआ है, नीचे रिपीट वाला नहीं था, नीचे वो अलग है। देखो मैं आपको यहीं से बता देता हूँ, नीचे ये अलग है सर। दे, दे. एक और बच्चे ने भी मुझे पूछा था, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ क्या है, क्योंकि किसी ने भी मुझे पूछा था ये, इसलिए मैं आपको दिखा दूँ वो है क्या, इसमें और उसमें क्या फर्क है। जो पहला वाला नोट था ना आपको, जो हमने ग्रुप में दिया था फर्स्ट वन, वो था उसमें थी कहाँ तक। हाँ देखिये, उसमें भी है क्लासिफिकेशन, लेकिन डिफरेंस ये है उसमें है अप टू जो हो गया दिस प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन तक वो था पहला वाला जो हमने 11 सितंबर को दिया था, ठीक है, जो अलाउन को हमने दिया था वो प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन तक है। आज का जो है ये आपने जो मतलब परसों पढ़ा था, ये है बियॉन्ड प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, ये है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ सेल्स। आप समझ गए मेरी बात को? हेलो, हाँ सर, तो हाँ ये सर, हाँ सर, सर हाँ, बोलिए बहुत सर। सारे लोगों ने पूछा था ये अलग, एक मतलब एक ही नहीं है ये, अलग अलग है, लेकिन ये भी एक चीज है, ये एक ही इस तरह से है कि दोनों क्लासिफिकेशन से ही बिलोंग करता है,
जो टॉपिक है टॉपिक सेम है, क्लासिफिकेशन से बिलोंग करते हैं लेकिन टॉपिक अलग अलग है, मतलब ऐसे में टॉपिक एक ही आएगा, सब टॉपिक अलग अलग है। बोलो और कुछ बोलना चाहते हो तो सर, लेकिन वो डबल डबल हमें नोट पर उठाना पड़ेगा कॉपी पर। अरे डबल डबल कहाँ से हो गया यार, वो अलग अलग है। हाँ सर, डबल कहाँ से हो गया, वो अलग अलग है ना, थोड़ा लिंक है। मैं समझा नहीं आपका डबल मतलब। सिर्फ नाम सेम है, सिर्फ नाम सेम है। नाम देखिए क्या है, क्लासिफिकेशन जैसे पहले है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन तक, तो जो आज मैंने दिया है उसमें आपको वो कहीं पे नहीं मिलेगा जो आपका पहला वाला है, वो उसके बाद जो हमने पढ़ा है वो उसमें आता है। डबल कहां से आ गया, लेकिन एक ही चीज आपको इसलिए लगा होगा डबल है, उसमें भी है क्लासिफिकेशन। पहले आपने आपने शायद मुझे लगा आपने खोला नहीं है उसको, आपने उसको ओपन नहीं किया और आपने वो अभी पढ़ा नहीं है। व्हेन यू विल रीड, आप दोनों को पढ़िए तो वो एक जैसा नहीं है। हां सर, हां सर, ठीक, अलग अलग है, मैं अभी चेक किया। दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। हां डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट। यस सर, यस सर। अब आप मुझे बता दीजिए, नेचुरल क्लासिफिकेशन हुआ है, ठीक है। अब आज का जो टॉपिक है दैट इज टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, ठीक है। जो हम क्लासिफिकेशन करेंगे वो हम किस ग्रुपिंग में करते हैं, क्लासिफिकेशन करने का कौन सा मेथड है, तो क्लासिफिकेशन करने का जो मेथड है उसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज ये आज का टॉपिक रहेगा, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, ये अलग से अब टॉपिक है, ठीक। ये एनसीईआरटी का अलग से टॉपिक बनता है टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। तो इसमें आप क्या याद रखेंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होता क्या है, हम कैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है। तो हाउ यू विल रिमेम्बर, तो वही हम यहाँ पे आज बता देते हैं। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज में आप ये चीज याद रखें, द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, हम ये चीज कहते हैं कि जब भी हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, ये समझने के लिए आपने ये चीज याद रखना है, जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं ऑर्गेनिजम्स की, तो हम उसकी क्लासिफिकेशन अलग अलग स्टेप्स में करते हैं। हम ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन जो है अलग अलग स्टेप्स में करते हैं, अलग अलग स्टेप्स में। उसका मतलब क्या हुआ, अलग अलग स्टेप्स में, व्हाट डज दैट मीन, तो मैं आपको ऐसे बता दूं, जैसे मैं आप में से किसी को बोलूं कि सपोज लेट इट बी, मैं आप में से किसी को बोलूं कि आप कहां से हो, वेयर फ्रॉम यू आर, ठीक है, वेयर फ्रॉम यू आर, आप कहां से हो, आपका एड्रेस क्या है, ठीक। तो उसका एड्रेस मुझे पूछना होगा, तो जब मैं बोलूंगा आप कहां से हो, शायद मैंने ये पढ़ाया था आपको क्या लास्ट क्लास में, उस दिन थोड़ा क्लास का डिस्टर्बेंस था, वो नेटवर्क टेक्निकल वगैरह इश्यूज थे उस दिन, तो इसलिए थोड़ा सा इसको रिवाइज करते हैं। तो हम ये चीज बोल रहे हैं, जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है, अगर मैं आपसे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी समझाने से पहले मैं आपको ऐसे समझा देता हूं, अगर मैं आप में से किसी को बोलूं कि आप कहां के रहने वाले हैं, आपका एड्रेस क्या है, व्हाट इज योर लोकेशन, तो वो एकदम जो है लेट इट बी, वो जो है जिससे मैं पूछ रहा हूं वो मुझे यहां पे नहीं मिल रहा है, वो मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आया है, यूएई आया है वो, ठीक है, दुबई वगैरह। तो जब मैं उसे ये पूछता हूं, वो कहेगा सर मैं इंडिया से हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल जो उसका आंसर होगा वो कहेगा मैं इंडिया से हूं। उसके बाद दूसरा जो है, अब इंडिया कहां पे, मतलब जो है इंडिया में किस जगह से, तो वो कहेगा सर इंडिया में आसाम से, ठीक है, आसाम से, गुवाहाटी से, तो फिर गुवाहाटी में किस जगह से, फिर उसके बाद वो लोकेशन देगा हुजे में, फिर उसके बाद हुजे में जो कोई विलेज वगैरह होगा तो वो उसके बाद उस चीज का नाम लेगा। So, उसने अपना यहाँ पे एड्रेस दे दिया, बात को समझे आप, उसने यहाँ पे अपना एड्रेस दिया, लेकिन एड्रेस उसने क्या दिया, उसने अलग अलग स्टेप्स में दिया, ये उसका एक स्टेप था एड्रेस देने का, ये स्टेप नंबर सेकेंड है, दूसरा स्टेप है, ये स्टेप नंबर थर्ड है, इसी तरह से एंड सो ऑन मेनी स्टेप्स। हम ये कहेंगे
कि हिज एड्रेस जो है हिज एड्रेस द एड्रेस ऑफ दैट वेरी बॉय ठीक है और स्टूडेंट दैट कंटेनर्स और पोजेस नंबर ऑफ स्टेप्स हियर यहां पे उसके एड्रेस में कई सारे स्टेप्स आते हैं कई सारे स्टेप्स उसके एड्रेस में आते हैं यू नीड टू रिमेंबर दिस तो इसी तरह से जब हम कोई भी नया प्लांट डिस्कवर करते हैं कोई भी नया प्लांट हम डिस्कवर करते हैं उसको देखते हैं न्यू प्लांट जो भी हमारे पास होगा जो भी न्यू प्लांट होता है उस न्यू प्लांट को हमने क्या करना होता है उस न्यू प्लांट को हमने क्लासिफाई करना है हमने उस न्यू प्लांट को क्लासिफाई करना है और ये क्लासिफाई हम उसको कैसे करेंगे हम एकदम उसका नहीं बोलेंगे कि ये है हम उसको स्टेप वाइज जो है स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन उसकी देंगे जैसे यहां पे मैंने बोला कि हम यहां पे स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन देते हैं एड्रेस देते हैं इसी तरह से यहां पे भी स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन आती है प्लांट्स में या ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स में तो हम डील करते हैं बॉटनी से इसलिए हम यहां पे बार बार प्लांट का ही नाम लेंगे अब यहां पे स्टेप बाय स्टेप क्लासिफिकेशन हम दे रहे हैं बात समझ लो आप ये जो ईच स्टेप यहां पे होगा ईच स्टेप ऑफ क्लासिफिकेशन ईच स्टेप जो यहां पे बनता है ठीक है जैसे यहां पे पहले क्या स्टेप बना कौन सा अगर आप यहाँ पे इंडिया की जब हमने बात की तो हमारा ये इंडिया का बात यहाँ पे ये दिस वन कंट्री बन गया यहाँ पे ये कंट्री बन गई ठीक है ये कंट्री आ गई फिर जब हमने आसाम बोला तो ये स्टेट आ गया आसाम यहाँ पे स्टेट आ गया फिर हुज्जे आ गया तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ गया तो इसी तरह से बाकी बाकी जो भी आप देंगे सेम बाय द सिमिलर वे कि जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं क्लासिफिकेशन में हम जो है क्लासिफिकेशन हम स्टेप्स में करते हैं पहली बात ही आ गई वी डू क्लासिफिकेशन इन स्टेप्स हम क्लासिफिकेशन स्टेप्स में करते हैं और ये जो स्टेप्स हम क्लासिफिकेशन करते हैं स्टेप्स में करते हैं ईच स्टेप इन ए क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और शॉर्ट में आप उसको कैटेगरी बोल सकते हैं Each step of classification is known as category or taxonomic category. And remember this point. Taxonomic. Let me mute them. देखे, तो मैं बोल रहा था कि each step in a classification, each step is called the taxonomic category. और टैक्सोनॉमिक कैटेगरी का दूसरा नाम भी है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज आल्सो नोन एज रैंक और रैंक्स इनको हम टैक्सोनॉमिक कैटेगरी को हम क्या कहते हैं इनको हम रैंक्स भी कहते हैं सो आइदर यू कॉल इट एज रैंक्स ऑफ रैंक्स बोलो ऑफ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी बोलो लेकिन है क्या टैक्सोनॉमिक कैटेगरी इज द ईच स्टेप ऑफ ए क्लासिफिकेशन इन ऑर्गेनिजम्स जो हम ऑर्गेनिजम्स में क्लासिफिकेशन करते हैं उस क्लासिफिकेशन का हर एक स्टेप जो है हर एक स्टेप दैट रिप्रेजेंट्स ए रैंक और व्हाट और कैटेगरी ये चीज आप याद अच्छे से रखेगा ठीक है तो हम ये भी बोल सकते हैं जो कैटेगरी है कैटेगरी अगर हम ये भी यहां पे कहना चाहेंगे कि यहां पे टैक्सोनॉमिक कैटेगरी जो होती है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ये क्लासिफिकेशन का एक क्या है टैक्सोनॉमिक कैटेगरी यहां पे क्लासिफिकेशन का एक यूनिट बनता है It is a sort of what? A unit for the classification. तो ये taxonomic categories की बात थी कि taxonomic category होता क्या है मेरी बात समझ में आई ना आपको मैं क्या बोला So taxonomic category क्या होता है taxonomic category हम बता दिए Just a minute कोई call कर रहा है Just let me receive कोई बच्चा होगा Plant का कोई बहुत तरह का step हाँ बोले आप ज्वाइन क्यों नहीं हो रहे हैं मैंने तो सभी को मतलब वहां से तो अलाउ किया वेटिंग में किसी को नहीं रखा है ठीक है लेकिन उसमें तो आप एक काम कर ले आप जो एडमिशन का नंबर होगा ना आपके एडमिनिस्ट्रेटर का मैं तो यहाँ पे आपका कुछ मतलब वेटिंग में भी नहीं आ रहा है अगर वेटिंग में आप आते तो मैंने किसी को रखा होता मैंने किसी को वेटिंग में भी नहीं रखा है
आप जो मतलब ये है ना ऑफिस का जो नंबर है उनसे आप बात कीजिए, क्या पता मतलब वहां से कोई फॉल्ट होगा, यहाँ से तो सब क्लियर है। ओके अच्छा आप सुने, ये बच्चा एक था जो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है तो वही फोन कर रहा था इसलिए मैं उठाया। तो मैं आपको ये चीज बोल रहा था कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की जब हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में हम जब ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन देंगे, ऑर्गेनिजम्स को हम क्लास में स्टेप्स में करते हैं, स्टेप्स में, और वो जो स्टेप्स में हम क्लासिफिकेशन करते हैं उसका हर स्टेप जो है, हर स्टेप यहाँ पे कैटेगरी कहलाता है या उसका यूनिट कहलाता है, दूसरा नाम आप बोले कि मतलब यूनिट या रैंक। सो हम यहाँ पे कैटेगरी और रैंक जो है, कैटेगरी और रैंक जो है ये एक ही चीज है, एंड बोथ और व्हाट, बोथ और द यूनिट्स ऑफ द क्लासिफिकेशन, दोनों यहाँ पे क्लासिफिकेशन के यूनिट्स माने जाते हैं। ये बात समझ में आ गई ना आपको, इतना क्लियर हो गया? मीनिंग क्या सर? योर वॉइस इज नॉट क्लियर। लेकिन दोनों जो है, दोनों को हम क्या मानेंगे, दोनों को हम मानेंगे दीज आर यूनिट्स ऑफ व्हाट, दीज आर यूनिट्स ऑफ क्लासिफिकेशन। हाँ, दोनों okay. दोनों जो है वो क्लासिफिकेशन का यूनिट माना जाता है। तो ये पहला वाला पॉइंट था जो आपने अभी, हमने इन सारी कैटेगरीज को वन बाय वन देखना है कौन कौन सी कैटेगरी है, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, उससे पहले जो है अब टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को मतलब समझाने से पहले यहाँ पे एक और छोटा सा टॉपिक है, पहले वो आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज नोन एज, उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की, टेक्सोनॉमिक हायरार्की। देखो बेटा टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होता है, टेक्सोनॉमिक हायरार्की की जब हम बात करते हैं हम कहते हैं सिंपले सर हायरार्की मींस, यस हायरार्की मींस क्या है, हायरार्की मैं ऐसा मींस में बिना, मैं ये फिर से लिखता हूँ उसके बाद में बता देता हूँ है क्या, एच आई ई आर ए आर सी एच वाई, इसको हम प्रोनाउंस करते हैं टेक्सोनॉमिक हायरार्की, हायरार्की, ठीक है। तो हायरार्की भी आप पढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है, बॉटनी या जूलॉजी में आपको प्रोनाउंसिएशन ही देखा जाता है, कॉन्सेप्ट देखा जाता है। तो ये जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है, ठीक, टेक्सोनॉमिक हायरार्की ये क्या होता है, हम टेक्सोनॉमिक हायरार्की ये कहते हैं इट इज अरेंजमेंट ऑफ, अभी हम क्या बोल रहे थे, यानी इट इज, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ, टेक्सोनॉमिक This is arrangement of all the rank in the taxonomic classification. सर को बोलते दो। हाँ बोलो। Categories. आप खुद से, आप खुद से discuss जो भी question है मुझसे बोलो, क्योंकि बाकी disturb हो जाएंगे। देखो, बात सुनो आप। Arrangement of taxonomic categories या bracket में मैं क्या रखूँगा? Bracket में मैं यहाँ पे ranks रखूँगा, क्योंकि दोनों same हैं। Arrangement of taxonomic categories or ranks in, अब दोनों सूरतों में है ये, इन हम यहां पे कहते हैं इन डिसेंडिंग, इन डिसेंडिंग, ठीक है, और या आप बोल सकते हैं यहां पे और असेंडिंग ऑर्डर, इन डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर, बात को समझना आप। सो टेक्सोनॉमिक हायरार्की हुआ अरेंजमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, अरेंजमेंट, इनका सीक्वेंस में हम इनको जब रखेंगे, जैसे हमने पहले वहां पे सीक्वेंस दी, तो हमने सीक्वेंस, जब मैंने आपका एड्रेस पूछा था, ठीक है, तो आपने अपने एड्रेस को सीक्वेंस में बता दिया, किस एक सीक्वेंस में, वो क्या था, पहले आपने कंट्री का बता दिया, टू विच कंट्री यू बिलोंग, उसके बाद आपने स्टेट का बता दिया, ठीक है, उसके बाद आप अपना डिस्ट्रिक्ट का बता दिया, उसके बाद अपना टाउन का बता दिया, ठीक, एंड सो ऑन, सो आपने सीक्वेंस में रखा। इसी तरह से हम इन टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज को एक सीक्वेंस में रखते हैं, और सीक्वेंस में रखने के दो तरीके हैं, या हम इनको जो भी हमारे पास कैटेगरीज बनती हैं, तो या तो हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है,
या हम इनको किस में रखेंगे, या हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे। अब आप कहेंगे सर डिसेंडिंग असेंडिंग क्या हुआ, ये भी आपको अभी समझ में आएगा जब मैं बाकी चीजों पे जाऊंगा यहाँ पे। तो इस तरह से जो है ये वाला हर एक, वो डिसेंडिंग होगा या असेंडिंग होगा, इसमें हर एक पॉइंट पे आप ये चीज याद रखेंगे कि यहाँ पे कि हर एक रैंक या कैटेगरी जो है दैट विल रिप्रेजेंट व्हाट, यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पे पहला जो है, पहली बात बेटा आप ये चीज याद रखेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कि दिस वेरी कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय सी लिनियस कैरोलस लिनियस, यानी टैक्सोनॉमिक अगर आपसे कल एमसीक्यूज में पूछा जाएगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरी वॉज गिवन बाय होम, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, तो आप ये चीज याद रखेंगे दिस द कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की, सॉरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की मैं बोल रहा हूँ, कैटेगरी का नहीं, कॉन्सेप्ट ऑफ टैक्सोनॉमिक हायरार्की वॉज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, ये लिनियस ने दिया था। लेकिन यहां पे ये भी चीज आप याद रखेंगे, लिनियस ने जो खुद से कैटेगरीज दी थी, रिमेंबर दिस पॉइंट, लिनियस ने जो खुद से कैटेगरीज दी थी, लिनियस ने सिर्फ फाइव कैटेगरीज दी थी क्लासिफिकेशन की, लिनियस ओनली गेव फाइव कैटेगरीज ऑफ क्लासिफिकेशन, लिनियस ने सिर्फ पांच कैटेगरी दी क्लासिफिकेशन की, पांच। वो पांच कौन कौन सी थी, पहली वाली मैं लिखूं यहाँ पे, आई विल राइट फर्स्ट वन हियर, फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट कैटेगरी जो दी दैट वाज लिनियस ने दिया, फर्स्ट कैटेगरी क्लासिफिकेशन का उसका नाम पड़ा क्लास, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा जो है दैट इज सेकेंड ऑर्डर, ये लिनियस का दूसरा ऑर्डर था ऑर्डर। तो ऑर्डर के बाद यहाँ पे जो तीसरा है फैमिली, जेनस, ठीक है, जेनस उसने दिया था। उसके बाद यहाँ पे जो चौथा है, फोर्थ वन हियर गिवन बाय लिनियस, दैट इज सिंपली उसको हम यहाँ पे स्पीशीज कहते हैं, स्पीशीज, हाँ। एंड फिफ्थ वन जो है, स्पीशीज वन दैट इज वैरायटी, स्पीशीज फाइन। अब देखो आप ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि कल क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं आज बॉटनी का पेपर शेयर करता हूँ ग्रुप में, आप देखेंगे जो अभी नीट का आया था, तो डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी से आता है, अगर आपने पढ़ा होगा। देखिए यहाँ पे मैं बोला आपको कि जो यहाँ पे पांच कैटेगरीज थी, यानी पहले क्लासिफिकेशन टेक्सोनॉमिक हायरार्की में पांच ही कैटेगरीज थी, पहले टेक्सोनॉमिक, हाँ, दिस कैटेगरी में टेक्सोनॉमिक हायरार्की में पांच ही क्लासिफिकेशन थी। वो क्लासिफिकेशन कौन कौन सी थी, उसमें था पहले कौन कौन सा, उसमें क्लास था, उसमें ऑर्डर था दूसरी कैटेगरी यानी दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप जीनस था, और चौथा यहाँ पे रैंक स्पीसीज बनता था, फिफ्थ जो है दैट इज वैरायटी। तो फिफ्थ कौन सा है यहाँ पे, वैरायटी है सर, प्लांट में सर वैरायटी होता है सर, हाँ प्लांट में वैरायटी होता है सर, और एनिमल्स में सब स्पीसीज, प्लांट में वैरायटी होता है, तो इसे उसने कॉन्सेप्ट दे दिया लिनियस, लिनियस ने जो मतलब क्लासिफिकेशन लिनियस का, तो तभी तो हम कहते हैं ना ज्यादा उसका जो है, ज्यादा लिनियस का फोकस जो है वो प्लांट पे ही रहा। तो ये पांच उसने दे दी, इट वाज गिवन बाय द लिनियस। लेकिन उसके बाद जो है आफ्टर दैट हम कहेंगे यहाँ पे, इसको आप शॉर्ट में याद ऐसे रख सकते हैं, पहले आप इन पांच को कैसे याद रखेंगे, आप रखेंगे यहाँ पे सीवी, ठीक है, सीवी एस ओ जी, एक ही वर्ड में आप याद रखेंगे लिनियस की पांचों कैटेगरीज को, क्वेश्चन कभी पूछा जाता है, सीवी, सी स्टैंड इज हियर फॉर व्हाट, क्लास, एंड वी स्टैंड इज वैरायटी, फिर एसओजी, एसओजी होता है ना, तो एसओजी मतलब क्या यहाँ पे आ गया, स्पीशीज जेनस ऑर्डर एंड जीनस, गॉट इट। तो इसको आप ऐसे लिनियस, यस सर, स्पीशीज ऑर्डर एंड जेनस, मतलब उल्टा उल्टा होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना सर, याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ ऐसे की कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सपोज लिनियस की क्लासिफिकेशन में कौन कौन सी कैटेगरी थी, तो फिर आपके क्योंकि अभी इसमें और भी ऐड हो जाएंगे ना, अभी जो हम दूसरी क्लासिफिकेशन देंगे अभी उसके बाद जो मैं बोलूंगा वो थोड़ा वैरी करेगा, तो आपको अगर लिनियस का याद रखना है तो उल्टा पुल्टा याद रखना पड़ेगा थोड़ा सा यहाँ पे, तो आप उसको ऐसे याद रखेंगे यहाँ पे, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा नहीं होना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आपने पहले लिखा ऑर्डर ऐसे सीक्वेंस में, अगर आपको कहा गया कि सीक्वेंस में ढूंढो, आपने पहले ऑर्डर लिखा उसके बाद क्लास लिखा नीचे ऐसे, फिर लिखा आपने वैरायटी,
फिर लिखा आपने जीनस ऐसे करके, तो ये समझो यहाँ पे आपको क्रॉस मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आप ना यहाँ पे आप एग्जाम में बैठे हैं या पेपर दे रहे हैं, तो यहाँ पे ये आपको क्या है, ये ट्रिक होती है ये आपको याद रखने के लिए, ये आप अपने नोटबुक पे कहीं पे भी साइड में रख सकते हैं। सो यहाँ पे उल्टा उल्टा चलेगा, यहाँ पे उल्टा उल्टा नहीं चलेगा, समझ गए आप। तो ये थी बात रिलेटेड टू द लेनिस क्लासिफिकेशन। डिसेंडिंग और असेंडिंग का मीनिंग? हाँ यस, गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, बिल्कुल। यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया, मैं तो ये मतलब अभी बोलने ही वाला था। तो यहाँ पे जो है दो पॉइंट्स मैंने बता दिए, डिसेंडिंग एंड असेंडिंग। बहुत अच्छा किया आपने अपने क्वेश्चन किया। डिसेंडिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग का मतलब आ गया डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे मैं आपको ऐसे बता दूं, आपको मालूम ही है ये दोनों वर्ड्स, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बोलना पड़ा तो नहीं तो आपको खुद ही समझ में आएगा। अगर मैं 10 से ऐसे लिखूं, 10 पहले लिखूं, उसके बाद मैंने 9 लिखा, उसके बाद 7 लिखा, उसके बाद 5 लिखा, उसके बाद 4 लिखा, उसके बाद 2 लिखा, उसके बाद 1 लिखा, सब बड़ा से छोटा, मैं हायर से लोअर में आ गया, मैं हायर से लोअर, हाँ आया ना, मैं हायर से लोअर, यानी कि लार्ज टू स्मॉल, लार्ज टू स्मॉल, हायर से लोअर। जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा, हायर कैटेगरी से जो हायर कैटेगरी मेरी होगी, हाईएस्ट कैटेगरी होगी, बिग कैटेगरी होगी, उससे छोटे वाली कैटेगरी की तरफ आऊंगा, उसको हम कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर, दैट इज कॉल्ड द डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन अब मैं क्या कर रहा हूं, अब अगर मैं इसको यहां पे एक और वर्ड जो मैंने वहां पे लिखा, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर यहां पे, तो असेंडिंग का मतलब आ गया दिस वन, इट इज फ्रॉम लोअर टू हायर, यहां पे लो टू हाई हम जाएंगे, लो टू हाई, स्मॉल टू बिग। वो कैसे, यहां पे मैं लिखूंगा पहले 1 0 1 2 3 उसके बाद 3 एंड सो ऑन, देन लास्टली 10। अब समझ में आया असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या हुआ? अभी ये फिर से आपको समझ में आएगा, अभी तो इसको मैं अच्छे से समझाने वाला हूं, लेकिन पहली बात आप ये चीज याद रखेंगे, लिनियस ने 5 कैटेगरीज दी थी, 5 कैटेगरीज, बट उसके बाद क्या हुआ, जो लिनियस ने 5 कैटेगरीज दी थी, आफ्टर दैट लेटर ऑन व्हाट हैपेंड टू दैट, लेटर ऑन क्या हुआ, लेटर ऑन हम ये बोलेंगे कि, बात सुना अच्छे से, इसमें से एक कैटेगरी जो बनती है लिनियस की क्लासिफिकेशन में, मतलब उसका टैक्सोनॉमिक हायरार्की में, एक कैटेगरी है वहां पे जिसको हमने वहां पे बोला बेटा वैरायटी, इसको हमने वैरायटी बोला, ठीक है, वैरायटी। अब ये जो वैरायटी है ना, वैरायटी, वैरायटी को इस ऑर्डर, इस वाली अरेंजमेंट से बाहर किया गया, यानी लिनियस ने जो वैरायटी का भी कॉन्सेप्ट दिया था, तो वैरायटी को बाहर निकाला गया, वैरायटी को वहां पे नहीं रखा गया, बात समझ गए, यानी मॉडिफिकेशंस आती है ना, मॉडिफिकेशंस, लिनियस ने अपने टाइम पे ये वाला दे दिया, ये वाला सिस्टम, उसके बाद सिस्टम बदल गया, आईसी जो आईसीबीएन इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, उसने यहां पे क्या किया, ये वैरायटी को हटा दिया गया, वैरायटी को हटा दिया गया, यहां पे दो और रैंक्स को और कैटेगरीज को ऐड किया गया, यहां पे दो कैटेगरीज को ऐड किया गया, टू कैटेगरीज गॉट एडेड हियर, दो कैटेगरीज। आपने ये चीज याद रखना है, टोटल नंबर ऑफ कैटेगरीज था 5, माइनस 1 कीजिए, ठीक है, इसमें 1 को माइनस कीजिए, ठीक है, जब आप इसमें माइनस 1 करेंगे तो यहां पे कितना आ गया, यहाँ पे जो है 4 ही रह गया, रह गया ना टोटल 4, तो यहाँ पे पहले 2 को ऐड किया गया, ठीक है, पहले 2 को ऐड किया गया, उसके बाद 1 और को ऐड किया गया, तो टोटल कुल मिला के आप ऐसे याद रखेंगे कि 2+1, यहाँ पे 2+1, तो टोटल नंबर ऑफ जो एडिशन कैटेगरीज है रैंक्स, वो 3 आ गई। तो नाउ अब क्या हुआ, ये यहाँ पे 4 था, दिस इज 4 प्लस यहाँ पे 3, तो 4+3 जो है 7, दैट इज 7, 7। नाउ मैं वो 7 नाम नहीं बोलूंगा, लेकिन पहले आप ये चीज याद रखेंगे, टुडे नाउ ए डेज, अगर हम आज की बात करेंगे, अगर हम आज की बात करेंगे, नाउ ए डेज की हम बात करेंगे, तो टुडे इन टैक्सोनॉमिक हायरार्की, आपको कोई पूछेगा कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की में कितनी रैंक्स